हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, फुल स्वेटर बच्चे का। ये 6 से 7 साल के बच्चे का है। तो ये फ्रंट पार्ट है और यहाँ तक मैंने ये बना लिया है। मुड्ढे भी मैंने इसके ये देखिए घटा दिए हैं, मुड्ढे घटा दिए हैं। मुड्ढों में मैंने बताऊँ कितने घटाए हैं, 4 3 2 1 इस तरह से घटाए हैं। उसके बाद फिर ये सीधा बुना है। और ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न बहुत लेंदी है, इसलिए इसे मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो मैं आपकी डिमांड पर इसे अपलोड कर दूंगी। काफ़ी लेंदी है, 40 सिलाई का ये पैटर्न है और मिनिमम 53 स्टिचेस इसमें चाहिए बनाने के लिए। तो 53 स्टिचेस पे 40 सिलाई यदि हम बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने ये अब तक अपलोड नहीं किया है। यदि आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगी। तो इसकी लंबाई वगैरह तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब पूरा स्वेटर हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं आपको बता रही हूं कि इसका हम गला कैसे बनाएंगे। मुझे गोल गला बनाना है, तो इसका गला की घटाई हम यहाँ पर कैसे करेंगे, फंदे कैसे घटाएंगे, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने 89 स्टिचेज रखे हैं ऊपर, और नीचे रखे हैं मैंने इसमें 65। ये 65 है बॉर्डर के और ऊपर 89 रखे हैं। तो 89 फंदों में से मैंने ये घटा दिए हैं, 4 3 2 1, तो 10 होते हैं ये, 10 और 10 20 फंदे इसमें से कम हो गए हैं। तो अब बचते हैं 69। तो अब 69 फंदे बचे हैं। अब 69 फंदों में से मुझे 5 फंदे बिल्कुल सेंटर में बीच में क्लोज करने हैं एक साथ। तो गोल गले में मैं ऐसे ही करती हूँ, तो 5 या 7 फंदे घटाती हूँ। तो 69 में से 5 फंदे फिर मैंने अलग कर लिए, तो फिर बचते हैं हमारे पास 64। तो 64 में से हाफ इधर और हाफ इधर, तो 64 का आधा होता है 32। तो मुझे अभी 32 स्टिचेस यहाँ पर बुनने हैं और उसके बाद फिर 5 फंदे हमें यहाँ से घटाने हैं और फिर से यहीं से टर्न हो जाना है। और कैसे घटाऊँगी मैं आपको बताती हूँ, गला कैसे बनाना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं गला गोल गला जो बच्चे का होता है वो थोड़ा ऊपर से घटाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मुड्ढे घटाते हैं तभी गला घटा देते हैं, लेकिन मैं थोड़े से मुड्ढे इतने घटाने के बाद ये यहाँ तक घटा दिया और फिर थोड़ा सा ये बुन लिया। तो इतना बनाने के बाद ये लगभग होगा 2 इंच होगा ये, यहाँ से यहाँ तक, हाँ 2 इंच तो होगा ये, 2 से 3 इंच तो इतना होगा ये। इतना बनाने के बाद फिर मैं गला बनाती हूँ, तो नहीं तो बड़ा गला बन जाता है फिर, अगर हम डीप बन जाता है अगर हम इसके साथ ही घटाएंगे। तो मैं यहाँ पर 32 स्टिचेस बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आगे करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 32 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 5 फंदे क्लोज कर दूँगी और फिर यहाँ पर 32 स्टिचेस बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से क्लोज करेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो जी 5 फंदे हमने यहाँ पर क्लोज कर लिए हैं। अब ये जो फंदे हैं यहाँ पर, ये हम सीधे बुन लेंगे और फिर उधर से आएंगे और फिर इधर कैसे घटाएंगे मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं सीधी बुन के। तो ये सिलाई मैंने बना ली है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड। ये सिलाई मैं उल्टी बुनकर यहाँ तक आ जाती हूँ, यहाँ तक, फिर आपको बताती हूँ। ये हमने बना लिया और ये जो लास्ट फंदा है ये हम बगैर बुना लेंगे। अब फिर से हम आ जाते हैं राइट साइड पे, और हमने पहले यहाँ पर देखिए 5 फंदे क्लोज किए थे, सेंटर के फंदे थे ये, और इधर भी 32 हैं, इधर भी 32 हैं। अब हम यहाँ पर 4 फंदे क्लोज करेंगे, यहाँ पर 4 फंदे बाइंड अप करेंगे, ये 1
दो, तीन और ये चार, और फिर से हम ये सिलाई बना लेंगे सीधी, और फिर उल्टी तरफ से सिलाई बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रख लेंगे। ये लास्ट फंदा बगैर बुना रख लेंगे। अब फिर से राइट साइड आ जाएंगे। अब यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर चार घटाए थे, ये पांच तो सेंटर के हैं, चार घटाए। अब देखिए जब हम ये इधर बगैर बुना फंदा छोड़ते हैं तो ये चेन इस तरह से आती है, बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से ख़त्म। तो अभी हम यहाँ पर तीन फंदे घटाएंगे, चार हमने पहले घटाए थे, अब तीन घटाएंगे। एक, दो और ये तीन। अब फिर से हम ये सिलाई सीधी बुनेंगे और उधर से उल्टी बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रखेंगे। तो जी ये हमने रॉन्ग साइड वाली सिलाई भी बना लिया, लास्ट फंदा बगैर बुना ले लिया, चार घटाए फिर तीन घटाए, और अब हम यहाँ दो घटाएंगे, दो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। एक और ये दो, और फिर से ये सिलाई हम सीधी बनाएंगे उल्टी साइड से उल्टी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई मैंने बना ली है दोनों, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, और लास्ट वाला फंदा मैंने यहाँ पर बगैर बुना रखा है। हमने चार तीन दो फंदे घटा लिए, अब यहाँ पर हम एक फंदा घटाएंगे और फिर से हम ये सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन लेंगे, और लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बना ली मैंने दोनों सिलाई। अब मुझे पहले हिसाब लगाना है, मुझे शोल्डर्स पर रखने हैं 20 स्टिचेस, और यहाँ पर कितने हैं अब मैं ये गिन लेती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, ये 22 हैं। तो मुझे दो फंदे और घटाने हैं, तो अब हम यहाँ एक इस सिलाई में और एक इससे अगली सिलाई में घटा देंगे। और आपको जितने भी घटाने हैं एक एक फंदा आप घटाते जाएं, और आप जितने भी शोल्डर्स में रखेंगे उतने फिर शोल्डर्स में रख लें। अब ऐसे करें, और ये जो सेंटर के फंदे मैंने पांच घटाए हैं, यदि आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आप ये 7, 9 इस तरह से घटा सकते हैं, और बीच सेंटर के फंदे 7, 9 तो जब है जब आपके पास ऑड नंबर में फंदे होंगे। यदि आपके पास ये इवन नंबर में फंदे होंगे सारे, तो आप यहाँ पर 8, 10 इस तरह से घटा सकते हैं, 8, 10, 6 ऐसे इवन नंबर में। ऑड नंबर में होंगे तो ऑड नंबर में घटाएं, और इवन नंबर में होंगे तो इवन नंबर में घटाएं सेंटर वाले फंदे, तो तभी आपका ये हिसाब सही रहेगा। तो अब मैं ये बना लेती हूँ, एक फंदा मैंने घटा लिया, एक फंदा मैं अगली सिलाई पे घटा लूँगी, और रॉन्ग साइड से हम लास्ट वाला फंदा बगैर बुना ही लेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा मैंने इससे पहली सिलाई में घटाया और एक मैं इसमें घटा रही हूँ, तो हमारे पास अब 20 स्टिचेस बचेंगे। बस जितने फंदे मुझे घटाने थे मैंने घटा लिए हैं, और मैं आपको बता रही हूँ आपके पास यदि ज़्यादा फंदे हैं और आपको शोल्डर्स में जितने भी फंदे रखने हैं उतने फंदे रखें, और आप ऐसे एक एक करके घटाते जाएं, क्योंकि मुड्ढा जो ये है ये अभी इसकी लेंथ अभी और बढ़ेगी, तो जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये वाला पोर्शन भी बुना जाएगा। तो इस हिसाब से आप एक एक फंदा घटा सकते हैं आराम से। और यदि आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आप यहाँ, मैंने आपको बोला था सेंटर में ज़्यादा फंदे घटाएंगे तो फिर ये भी ज़्यादा ज़्यादा घटाएंगे। जैसे आपने 9 घटा दिए तो फिर आप 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से घटाएंगे, तो आपके फंदे ये जल्दी से घट जाएंगे और फिर आपको एक एक फंदा कम ही घटाना पड़ेगा। एक एक फंदा घटाते जाएं घटाते जाएं, यदि आपके ये फंदे एडजस्ट हो सकते हैं तो लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स जितने फंदे हमें घटाने थे हमने घटा लिए हैं, इस तरह से इसकी गोलाई आई है,
ये यहाँ से इस तरह से हाफ है, हाफ इधर बनेगा। और अब हमें सीधा बुनना है, कोई फंदा नहीं घटाना है। अब इधर से भी सारे फंदे बुनने हैं, उधर से तो हम बुन ही रहे हैं। तो अब हमें जितना जितना लंबा ये हमें ये करना है, इसकी लेंथ जितनी करनी है हमें बुड्ढे की, वहाँ तक हम इसे बुनेंगे इन्हीं फंदों के साथ। और मैं ये बुन लेती हूँ, फिर इधर से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे इधर से, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस गले का आधा हिस्सा बना लिया है, और जितना मुझे इसकी लेंथ बनानी थी मुड्ढे की, ये मैंने लेंथ बना ली है। और मैं यहाँ इसे बंद कर दूँगी, फंदे तो इसमें रहेंगे। ये धागा मैं यहाँ से कट कर लूँगी और इधर जोड़ लूँगी यहाँ पर। तो ये मैंने कट कर लिया है यहाँ से, धागा यहाँ से कट कर लिया है। और अब मैं इसे जोड़ूँगी इधर, इधर जोड़ूँगी और ऐसे ऐसे बुनेंगे अब हम इधर से। यहाँ पर ये धागा जोड़ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये धागा जोड़ लिया है। तो जब हमने इधर बुनना शुरू किया था, 32 स्टिचेज हैं, इधर भी 32 स्टिचेज थे, बीच में हमने पांच घटाए हैं, फिर हमने चार घटाए थे, फिर तीन, फिर दो, फिर और फिर एक, और फिर एक एक घटाया था, और फिर हमने यहाँ पर 20 स्टिचेज रखे थे। तो अब हम यहाँ पर चार फंदे घटाएंगे बिल्कुल उसी प्रोसेसिंग में। एक, दो, तीन, चार। तो ये चार फंदे हमने घटा लिए हैं। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और फिर उधर से सीधी सिलाई बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी साइड से सिलाई बना ली है और ये वाला फंदा बगैर बुना ले लेंगे। जैसे हम लेते हैं, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर हम तीन फंदे घटाएंगे, पहले हमने चार घटाए थे। और मैं आपको बता दूँ, अब हमें इस उसी प्रोसेसिंग में फंदे घटाने हैं और वैसे ही हमें बुनना है। तो अब मैं तीन घटाऊँगी, फिर दो, फिर एक, और फिर दो बार एक एक घटाएंगे, तो हमारे पास 20 स्टिचेज रह जाएंगे। और फिर 20 स्टिचेज के साथ हम इसे बुनेंगे पूरी लेंथ होने तक। तो ये मैंने तीन घटा लिए हैं। तो इस तरह से मैं ये इधर का हिस्सा भी बना लूँगी, सेम वैसे ही बनेगा जैसे ये वाला बना था। और जब इधर वाला भी बन जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये गला कैसे कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गला मैंने जितना ये बनाना था मैंने बना दिया है। ये देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है, और इसकी गोलाई देखिए कितनी लाजवाब आई है। और जब ये बनेगा, इसमें से फंदे उठेंगे और इसका गला बनेगा, ऊपर बॉर्डर बनेगा गले में, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और दोनों तरफ मुंडे बराबर हैं, क्योंकि मैंने सिलाई गिनकर बनाई है, उतनी ही इधर उतनी ही इधर। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आपने यदि गोल गले के फंदे कभी इस तरह से नहीं घटाए हैं, तो ऐसे घटा कर देखिए, बहुत ही एकदम से परफेक्ट आएंगे। देखिए कितने गोलाई है इस गले में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा ये तरीका पसंद आया होगा गोल गला बनाने का। तो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।